हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उसके आगे क्या थे वो देखिए ध्यान से। हाँ, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण क्या है। तो मैं आपको सब लिखा चुका हूं, और इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है ये अपने आप लिख लेना, ठीक है ना। ये अब तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हारा काम है कि अपने आप लिखो इसको, ठीक है ना बेटा। तो इसको अपने आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण के रूप में, परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए, उन्हें संतुलित कीजिए, ठीक है। इसमें जो है आपका पहला है, मैं क्वेश्चन लिखते जाऊंगा और बेटा उसका फिर आंसर भी लिखते जाऊंगा, ठीक है। आप ध्यान से लिखते भी जाइए बेटा, ठीक है ना। आपको लिखना भी पड़ेगा, आप लिखते भी जाइए इसको। पहला है आपका, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से, सॉरी गैस छूट गया, गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है, ठीक है। पहली यह है हमारी, इसको मुझे समीकरण, रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर करके संतुलित भी करना है। तो नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, मैंने बोला था अभिकारी पदार्थ को जब लिखते हैं तो अगर दो से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस लगा देते हैं और फिर गिब्स आउट लगाते हैं, ठीक है ना। तो N2+H2 हो गया। अब क्या बनवा रहा है हमको, हमको आप देख सकते हो क्या बनवा रहा है वहां पर, देख के बताओ क्या बनवा रहा है, बोलो भाई। गैस है ना, गैस क्या बनवा रहा है, अमोनिया NH3 किस रूप में है, गैस। तो अब यहां पर बैलेंस कितना नाइट्रोजन, यहां एक, यहां कितना है, दो, यहां दो लगा दो,
जैसे नाइट्रोजन को दो किया तो हाइड्रोजन कितना हुआ, तीन दुनी छ, तीन यहां लगा दो, तीन दुनी छ, ठीक है ना, बैलेंस हो गई। सेकंड देखिए, इसका सेकंड पार्ट देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड बनती है। बनती है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और गैस का वायु, वायु मतलब O2 गैस, जब इसको जलाते हैं तो जल H2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, ओके। हो गया, अरे नंबर उनको बताओ। हो गया, बैलेंसिंग पे ध्यान दीजिए बेटा। देखिए आप, एच दो हैं, वो आपके दो हैं, लेकिन यहाँ पे तीन हैं, तो मैंने बताया सम कर लिया अगर हमेशा, तो देखो यहाँ पे एक और दो तीन हो रहा है, तो इसको सम करिए, तो दो लगा दीजिए, दो और दो चार हो जाएगा आपका। अब वो जब चार हुआ है तो यहाँ देखिए दो दूनी चार, तो यहाँ पे देखिए दो दूनी चार करना पड़ेगा। जैसे इसको चार किया, सल्फर दो हो गया, सल्फर को दो कर दीजिए, टोटल ऑक्सीजन कितना हुआ, दो दूनी चार दो छ, तो यहाँ पे तीन लगा दीजिए, तीन दूनी छ, बैलेंस हो गई। नोट कर लीजिए फटाफट, पहला हो गया ना, हटा दें इसको। तो मैं आप इसको नोट करें, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर
कर बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, आपकी बुक में है, अवक्षेप देता है, तो देता है लिखना भैया। ऐसा क्वेश्चन है बेटा, मैं वैसा ही लिख रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, बुक में देखें कुछ और है, यहाँ मैंने कुछ और लिखा, तो सर बाद में आप कुछ कहो, इससे अच्छा मैं वही लिख देता हूँ जो लिखा हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका कह रहा मैं वही लिख देता हूँ इसीलिए। ठीक है ना, करें। चलिए देखिए, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है, जलीय विलयन लिया जाता है। ठीक है, दोनों का यहाँ पे जलीय विलयन लेते हैं बेटा। अब देखिए, आयन एक्सचेंज हो जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ AlCl3, इसका प्लस इसके माइनस के साथ BaSO4, ये होता है सॉलिड। और ये जो बेटा आपका है ना AlCl3, ये आपका एक्वस ही रहता है। ठीक है ना, ये सबकी के नाम पता होंगे बेटा आपको, नाम भी लिख लीजिए। ये एल्युमिनियम सल्फेट है, वो एल्युमिनियम बेरियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, ये बेटा अवक्षेप है, बेरियम सल्फेट का ये अवक्षेप होता है बेटा, प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर है, पोटेशियम धात, पोटेशियम धात जल के साथ अभिक्रिया करके साथ अभिक्रिया करके, अभी बैलेंस कर रहा हूं बेटा, मैंने बैलेंस नहीं किया, अभी कर रहा हूं, अभी देख लीजिए। मैंने सोचा पहले क्वेश्चन लिख दे। देखो यहाँ पे दो लगा हुआ है एल्युमिनियम, आप इसको एल्युमिनियम को दो कर दीजिए। उसके बाद देखिए, SO4 आपका तीन था, SO4 आप तीन कर दीजिए, तो आपने क्या देखा, एल्युमिनियम आपका कितना हो गया, दो। ठीक है ना, और आपका जो AL है वो कितना हो गया, तीन दुनी छः, यहाँ पे तीन कर दिए, तीन दुनी छः, बैलेंस। ठीक है ना, आगे लिखिए, जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस, एवं हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस देती है, पोटेशियम धातु है, सॉलिड रहती है, H2O लिक्विड रहता है यहां पर जल,
जैसे इसको इसमें डालते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एक्वस बनता है, और यहाँ से जो है H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये आप बैलेंस करिए इसको, कहाँ कितना लगेगा, दो वहां पे, दो यहाँ पे, तीन, दो और एक तीन, तो यहाँ पे दो अगर दो, दो और दो चार, सम हो गया। जैसे इसको मैंने दो किया तो ऑक्सीजन दो हुआ, तो इसको दो कर दो, दो दूनी चार और ये दो ऑक्सीजन, पोटेशियम को दो कर दो, कि पोटेशियम दो था, पोटेशियम को दो कर दीजिए। नोट कर लीजिए फटाफट इसको, फिर हम लोग आगे करते हैं। इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। बता दें, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। निम्न लिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। पहली है बेटा आपकी HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ये बनाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। इनकी बेटा अवस्थाएं आप लिखना चाहे तो लिखिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं बैलेंस हम लोग। अब आप देख सकते हो H दो है, इधर दो और एक तीन है, इधर N एक है, इधर N दो है। यहाँ पे देखिए N आपका दो है, यहाँ पे जब एन आपका दो है तो यहाँ पे दो कर दीजिए इसको। जैसे इसको दो किया तो दो और दो ये चार हो गया, तो इसको को दो कर दिए, दो दुनी चार, बैलेंस। ठीक है ना, तीन दुनी छह, दो आठ, तीन छह, बैलेंस हो गई। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन देखिए, सेकेंड रिएक्शन देखिए क्या कहती है, कहता है NaOH H2SO4, NaOH प्लस H2SO4। देखिए Na2SO4 प्लस H2O, चलिए बताइए कहाँ कितना लगाना है, बैलेंस करिए। देखिए Na आपका दो है, यहाँ दो लगा दीजिए, Na दो हो गया। जैसे Na आपने एक दो किया, H आपका दो हुआ, H दो और दो चार है, तो दो कर दीजिए, दो दुनी चार, तो चार दो छः, चार दो छः, बैलेंस हो गए बेटा। थर्ड देखिए रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन देखिए, थर्ड NaCl प्लस AgNO3। देखिए Ag और Cl, AgCl और प्लस NaNO3, अवस्था नहीं दिखा रहा हूं बेटा, वो चाहे तो आप उन्हें दिखा लेना। ठीक है ना, अब इसको बैलेंस करिए। Na एक है, Na एक है, Cl एक है, Cl एक है, Ag एक है, Ag एक है, NO3 एक है, NO3 एक है, बैलेंस है बेटा, कुछ नहीं करना हमको इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4 आपका बनाएगा ये
BSO4 प्लस HCl। अब देखिए BA1 है, BA1 है, S1 S1, O4 O4, H2 है और Cl2 है, तो ये दो लगा दीजिए बैलेंस। ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट, नोट कर लीजिए। हो गया, हटा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है बेटा, रिएक्शन वाला है तो रिएक्शन ही सबसे ज्यादा मिलेंगी आपको। पहली है रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एरो का निशान, प्लस एरो का निशान, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट प्लस जल। ठीक है, इसको रिएक्शन को लिखना है और बैलेंस करना है बेटा हमको। चलिए देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जल H2O, बैलेंस करो बेटा। H2 है 2 है, O3 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, बेटा बैलेंस है, कुछ नहीं करना हमको। सेकेंड देखिए, सेकेंड रिएक्शन है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, एरो का निशान, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ध्यान से देखो बेटा, जिंक ZN होता है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस होता है और Ag, अब देखिए यहां पर NO3 का होल ट्वाइस है बेटा, NO3 का होल ट्वाइस है, तो 2 लगा दीजिए यहाँ, जैसे 2 लगाओगे Ag2 हो जाएगा, यहां 2 कर दीजिए बैलेंस। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट है आपकी थर्ड रिएक्शन है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड है ना, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, देखिए ध्यान देखिए इसको,
एल्यूमिनियम एएल, कॉपर क्लोराइड सीयू सीएल टू, ठीक है। क्या लिखा गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड तो एएल सीएल थ्री प्लस सीयू। अगर आप अवस्था दिखाना चाहें तो बेटा आप अवस्था भी दिखा सकते हो, वो अपने आप कर लेना। देखिए यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, आप यहाँ तीन कर दीजिए, तीन दूनी छः, यहाँ दो कर दीजिए, दो तीन छः, इसको दो कर दीजिए और इसको तीन कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। एक रिएक्शन बेटा और बची हुई है, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट है आपकी, नंबर चार है, वो है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट यहां पर है, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट का बेटा BaSO4, सॉरी BaCl2, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4, बेरियम सल्फेट का BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड का KCl। Ba1 है, Ba1 SO4 S1O4, K2 है, Cl2 है, तो यहाँ पे बस दो लगा दीजिए, बैलेंस आपकी नोट कर लीजिए। बाकी इसके आगे जो बेटा है नेक्स्ट कल वीडियो देखेंगे, उसमें जो है आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।